hello welcome back once again in principle of electronic communication subject so in the last lecture we have started uh, the numericals related to fm and in that lecture we have seen two numericals which are related on the concept of uh, bandwidth requirement of fm as well as uh, in the last lecture we have studied the topic of narrowband fm and wideband fm so also we have seen one numerical related to that concept also we have find the bandwidth on the aspect of narrowband fm also and the wideband fm also so today in the lecture we are going to continue the numerical session related to fm with further more numericals and in the end we are going to compare between the two modulation technique am and fm and in this way we are going to end this chapter second chapter modulation technique so today I think that will it is will be a last lecture related to modulation technique. In this lecture, we are going to see two, three numericals related to FM, and in the end, we are going to compare between the two techniques AM and FM. So, okay, continuing with the next numerical. So we have completed till two second numericals. Now moving to a third numerical. So what is the third numerical says that what is the question says that? What is the bandwidth required for FM?

एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज थ्री अब यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू भी थ्री दिया हुआ है और मैक्सिमम डिविएशन कितना दिया हुआ है फाइव किलो आर्ट और आगे चल के आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है दिया हुआ है यहाँ पे एज्यूम हाइस नीडेड साइड बेंड्स आर सिक्स सो फॉर्मूला जो आप लोगों को यूज करना है वो कौन सा फॉर्मूला है दो फॉर्मूले थे बैंडविथ के टू एफ एम इन टू एन और एक कार्सन स्टूल वाला था ट्वाइस ऑफ डेल्टा प्लस एफ एम मैक्स तो गिवन डेटा के हिसाब से अब हम लोग को जो फॉर्मूला यूज करना है वो हम लोग हाइस्ट नंबर ऑफ साइड बैंड वाले फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे दैट इज टू एफ एम मल्टीप्लाई बाय एन ठीक है तो वो फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है हाईस्ट नीडेड साइड बैंड तो ज्यादा साइड बैंड यहाँ पे कितना दिया हुआ, कितना दिया हुआ, दिया हुआ है नंबर ऑफ साइड बैंड कितना दिया हुआ है ये क्वेश्चन में सिक्स नंबर ऑफ साइड बैंड दिया हुआ है तो सबसे पहले आपके पास गिवन डेटा में क्या क्या है गिवन डेटा में मैक्सिमम डिविएशन कितना दिया हुआ है फाइव किलो एट मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है थ्री और कैपिटल एन यानी नंबर ऑफ साइड बैंड कितना दिया हुआ है सिक्स तो देखो आपके पास बैंडविथ निकालने के फॉर्मूले में क्या है टू एफ एम मल्टीप्लाई बाई एन टू एफ एम मल्टीप्लाई बैन तो सबसे पहले आपको ये मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी भी मालूम करना पड़ेगा मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी मालूम करोगे तभी तो बैंडविथ निकल पाएगी क्योंकि बैंडविथ का फॉर्मूला ये टू एफ एम मल्टीप्लाई बाय तो आपके पास कैपिटल एन तो है लेकिन एफ एम नहीं है तो एफ एम कैसे मालूम करोगे जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको दिया हुआ है ये गिवन डेटा से आप निकाल सकते हो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मुला यूज किए मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ क्या होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ डेल्टा अपॉन एफ अब ये फॉर्मूले में से यूज करके आपके पास दो चीज है मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू भी है डेल्टा की वैल्यू भी है तो आप क्या मालूम कर लोगे मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी मालूम कर लोगे सो इसलिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ का फॉर्मुला यूज किए मॉड्यूलेशन इंडेक्स एफ एम क्या होता है डेल्टा अपॉन एफ मैक्सिमम जिसमें तो वही होता है डिविएशन डिविएशन कितना दिया हुआ है फाइव किलो हॉर्ट दिया हुआ है तो आपने फाइव यूज किए इधर पे और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी नीचे अनन है फिर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को आपने उधर पे किए ये थ्री इधर पे आ जाएगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा ये मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को उधर पे भेजे लेफ्ट साइड में तो ऊपर न्यूमरेटर में आया ये न्यूमरेटर का थ्री इधर राइट साइड में भेजे तो डिनोमिनेटर में आया फोर मॉड्यूलेटिंग अब आप फाइव पॉइंट थ्री करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा वन पॉइंट सिक्स सेवन अब ये के क्यू है क्योंकि ऑलरेडी ये फाइव के में था के इसके आगे ऑलरेडी के है फाइव किलो हर्ट डेल्टा कितना है फाइव किलो हर्ट्स तो इसके लिए यहाँ पे आंसर जो आया फाइव पॉइंट थ्री वन पॉइंट सिक्स सेवन आगे क्या रहेगा किलो हार्स क्योंकि ये के में ऑलरेडी के में ये फाइव के सो फाइनली मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी आपका कैलकुलेट हुआ कितना आया मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 1.67 पॉइंट सिक्स सेवन किलोहट्स और अब हा वन पॉइंट सिक्स हाँ तो उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है वेरी गुड कैल्सी में आपने फाइव पॉइंट निकाले तो आपको देखो आंसर यही आया होगा ना 1.666666 ठीक है तो उसको फिर राउंड ऑफ राउंड ऑफ करते हैं राउंड ऑफ 5 के ऊपर जो यूनिट है उसको राउंड ऑफ कर दिए तो आपने उसको राउंड ऑफ में कितना किया 1.67 किलोट्स ठीक है तो उसको राउंड में आपने इधर पे 1.67 किलोट्स कर दिया नाउ बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है 2 एफएम मल्टीप्लाई बाय तो 2 का एज इट इज ऐसे ही है कितना कितना बोला 1.67, 1.67. आप मल्टीप्लाई करोगे टू मल्टीप्लाई बाय पॉइंट सिक्स सेवन मल्टीप्लाई बाय सिक्स तो आपको आंसर आएगा ट्वेंटी पॉइंट जीरो फोर और आगे किलो आर्ट्स क्यों क्योंकि ये ऑलरेडी किलो आर्ट्स में ठीक है।, है तो इस तरीके से आपने बैंडविड्थ कैलकुलेट किए ये गिवन न्यूमेरिकल में आपको कितना मिला? तो दिख रहा है आपको हम लोग ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया अभी बैंडविद कैलकुलेट करने के लिए Now हम लोग फोर वेरी गुड वेरी गुड ट्वेंटी पॉइंट जीरो फोर किलो सो टू एफ एम मल्टीप्लाई बाय एन ये करके आपको आंसर जो आया ट्वेंटी पॉइंट जीरो फोर

यहाँ पे भी आप कार्सन रूल्स का फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते थे आपके पास डेल्टा भी दिया हुआ है और एफ भी आपने ये फॉर्मूले से निकाल लिए तो आप कार्सन रूल्स भी निकाल के कर सकते हो प्राइस ऑफ डेल्टा प्लस से भी ठीक है तो यहाँ पे आप डिपेंड करता है कि गिवन डेटा कैसा दिया हुआ है तो गिवन डेटा के हिसाब से नंबर ऑफ साइडमेंट दिया हुआ था तो हम लोग ने वो नंबर ऑफ साइडमेंट्स वाला फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट किया आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बढ़ते हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जो इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है जो इसका रिप्रेजेंटेशन है एफएम वेव के उसके ऊपर न्यूमेरिकल दिया हुआ है सिमिलर टाइप का हम लोग ने एम में कर चुके थे अब उसी का टाइप जो है वो आपको इधर अभी एफ में दिखेगा क्या क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो ये मैंने यहाँ पे साइड में मार्क भी किया हुआ है सैंपल क्वेश्चन पेपर यानी ये क्वेश्चन जो है वो सैंपल पेपर में सिक्स मार्क्स के लिए बताया हुआ था दिया हुआ था और ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता भी है बड़े टाइप का क्वेश्चन द इक्वेशन ऑफ एफ एम वेव इज गिवन बाय अब यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ एफ एम वेव इज गिवन बाय टेन साइन ब्रैकेट सिक्स इंटू टेन एस दावर एट टी प्लस फाइव साइन वन टू फाइव जीरोक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स पावर डिसिपेटेड इन टेन ओम रजिस्टर तो सीधा पहले आपको इक्वेशन दे दिया है एफ एम का इक्वेशन दे दिया है अब इक्वेशन को देख के आपको बाकी की सब चीज कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम लोग ये जो गिवन इक्वेशन जो दिया हुआ है टेन साइन ब्रैकिट सिक्स इंटू टेन टू पावर एट टी प्लस जीरो कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो आपको याद होगा हम लोग ने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ वेव जो पढ़े थे उसमें मैंने आपको एक्सप्रेशन ये बताया था इसका मीनिंग समझाया था सो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ वेव एफ वेव का इक्वेशन जो है वो आप किस तरीके से उसको डेजिग्नेट करते हो वी सी साइन ब्रैकेट ओमेगा सी टी प्लस एम एफ साइन ओमेगा एम टी तो ये वीसी मतलब क्या है एफ एम का एम्पलीट्यूड जो किसके एम्पलीट्यूड के बराबर है कैरियर के एम्पलीट्यूड के बराबर है बाजू में क्या है आपका साइन क्या साइन है मतलब ये बताता है कि एफ एम का जो नेचर है जो शेप है वो कौन से फॉर्म में साइन वेव फॉर्म में अब ब्रैकेट में देखो क्या है ओमेगा सीटी यानी कैरियर की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है किसके हिसाब से चेंज हो रही है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से चेंज हो रही है है साइन ओमेगा ये ये मीनिंग मैंने आपको आपको उसमें समझाया था तो इक्वेशन याद करना है. अब इक्वेशन जो दिया हुआ है तो कंपेयर करो क्या क्या किसकी जगह पे दिया हुआ है अगर आप टेन को कंपेयर करोगे तो किसकी जगह पे दिया हुआ है वीसी की जगह पे दिया हुआ है यानी कैरियर का वोल्टेज कितना है टेन वोल्ट तो ये आपने इधर पे निकाल लिया ओमेगा सी की जगह पे क्या आ रहा है कौन सी वैल्यू आ रही है ओमेगा सी की जगह पे ये आ रहा है सिक्स इंटू टेन टू दी पावर एट आ रहा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम की जगह पे क्या आ रहा है कंपेयर करोगे तो आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स सीधा सीधा मिल गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स सीधा कंपेयर करके ही मिल गया फाइव कुछ करने की जरूरत ही नहीं मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना है फाइव है अब बाजू में साइन के बाजू में क्या है वन टू फाइव जीरो तो वन टू फाइव जीरो क्या है ओमेगा एम ओमेगा एम की जगह पे क्या है 1, 2, 5, तो ऐसा कंपेयर करके आप पहले ये निकालेंगे तो इसलिए देखो यहाँ पे अभी कैरियर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया हुआ है कंपेयर किया हुआ है लिखे ओमेगा सी टू सिक्स इंटू टेन्स टू पावर एट और आपको ओमेगा का तो फॉर्मूला पता ही है ओमेगा टू पाई एफ तो ओमेगा सी टू क्या बनेगा टू पाई सी सो टू पाई सी इजिकल्स टू सिक्स इंटू टेन्स टू पावर एट एफ सी का एफसी सी इधर ही रहेगा टू पाई जो मल्टीप्लीकेशन का था वो उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड अब आप कर लो डिवाइड सिक्स मल्टीप्लाई बाय तो पावर एट डिवाइड बाई टू पाए अब ये डिवीजन करो तो आपका आंसर आएगा 95.49 फाइव पॉइंट फोर नाइन मेगा ये मेगा में आप लेके आना पड़ेगा वो जो आप ENG का बटन दबाओगे तो आपको टेन रूपर तो सिक्स के फॉर्म में दिखाएगा तो 95.49

सो so, 95.49 मेगाहर्ट्ज़ ये आपकी कैरियर की फ्रीक्वेंसी आ गई जो आपको पहला पार्ट बोला था कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट कैरियर फ्रीक्वेंसी अब दूसरा आपको कैलकुलेट करना है मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कंपेयर करने के लिए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये वन टू फाइव जीरो को इक्वेट करना पड़ेगा किससे ओमेगा एम से ओमेगा एम की जगह पे क्या आ रहा है वन टू फाइव जीरो आ रहा है तो इसलिए आप देखो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम इजिकल्स टू वन टू फाइव जीरो ओमेगा एम का फॉर्मूला टू पाई एफ एम इजिकल्स टू वन टू फाइव जीरो ये टू पाई मल्टीप्लीकेशन का उधर जाके डिवाइड हो जाएगा वन टू फाइव जीरो डिवाइड बाई टू पाई जब आप डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर सिंपली क्या मिलेगा एट और आगे कुछ नहीं तो आप हर्ट्स लिखोगे क्योंकि कोई के वे कुछ नहीं सीधा नंबर था ना वन टू फाइव जीरो डिवाइड बाई टू पाए तो सिंपली डिवाइड करके आपको ये आंसर आएगा वन नाइनटी एट पॉइंट नाइन फोर हट्स वन नाइनटी एट पॉइंट नाइन फोर हट्स ये आ गया आपका मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी भी आ गया थर्ड इंडेक्स मैंने आपको सीधा बताया मॉड्यूलेशन इंडेक्स की जगह कंपेयर करो क्या आ रहा है क्या वैल्यू दिया हुआ है सो so, एम की जगह पे आपके पास क्या है प्लस के बाजू में क्या है फाइव है तो so, सीधा सीधा आपने लिख दिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स MF, MF की वैल्यू कुछ नहीं करना इसके अंदर सीधा सीधा मिल गया आपको कंपेयर करके मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू फाइव लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है पावर डिसिपेटेड इन टेन ओम रजिस्टर तो आप पावर डिसिपेटेड इन टेन ओम रजिस्टर वही फॉर्मूला जो हम लोग ने एम में भी यूज किए थे आर की वैल्यू टेन दिया हुआ है

टेन का स्क्वायर करोगे तो हंड्रेड होता है डिवाइड बाय रूट टू का स्क्वायर करोगे तो टू होता है और अपॉन में टेन सो इस तरीके से जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे पे जो है वो टेन का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा हंड्रेड हंड्रेड को डिवाइड बाय टू करेंगे तो टू वनजा टू फिफ्टी इधर पे एक जीरो नहीं लिखा हुआ है टू वनजा टू फिफ्टी जा तो ये फिफ्टी हो गया अपॉन में टेन है फिफ्टी डिवाइड बाय टेन करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा फाइव सो फाइनली आपका आंसर जो आया पावर डिसिपेटेड इन टेन ओम रजिस्टर वो कितना आया फाइव वेट आया तो ये जो क्वेश्चन था सिंपल वो रिप्रेजेंटेशन वाला था जहां पे गिवन इक्वेशन ऑफ एफएम को कंपेयर करना होता है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एफएम है फिर क्या क्या डेटा दिया हुआ है वो नोट डाउन करो वो डेटा के हिसाब से फिर कैलकुलेट करो अब कैरियर फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा सी की वैल्यू को कंपेयर करना है मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा एम की वैल्यू को कंपेयर करना है ठीक है तो पहले कैरियर फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट किए मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किए जाता है और पावर लिए पावर का करना पड़ेगा, होता है तो से आप लोग में आया होगा इसी से रिलेटेड एक और न्यूमरिकल है ये न्यूमरिकल आप खुद करेंगे बिल्कुल सिमिलर न्यूमरिकल है इसके अंदर कुछ भी नहीं है खाली वैल्यू चेंज किया हुआ है क्या न्यूमरिकल है खाली वही पढ़ के बता देता हूँ द इक्वेशन ऑफ एफ एम वेव इज गिवन बाय यहाँ पे वही दिया हुआ इक्वेशन ऑफ एफ एम गिवन बाय ट्वेंटी कैरियर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स पावर डिसिपेटेड इन टेन ओम रजिस्टर ठीक है तो आप जब आप कंपेयर करोगे तो सबसे पहले देखो वही काम है जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड से तो स्टैंडर्ड वही है वीसी साइन ओमेगा सी टी प्लस एम एफ साइन ओमेगा तो आप कंपेयर करो कौन कौन सी वैल्यू क्या दिया हुआ है वीसी की जगह पे क्या मिल रहा है आपको ट्वेंटी कैरियर का वोल्टेज की जगह पे कितना मिल रहा है आपको ट्वेंटी ओमेगा सी की जगह पे आपको क्या मिल रहा है इधर पे टू 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 पावर पावर ओमेगा सी इज इंडेक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है सीधा सीधा कंपेयर करके मॉड्युलेशन इंडेक्स की वैल्यू एम एफ इजिकल टू कितना मिल रहा है बोलो जल्दी मॉड्युलेशन इंडेक्स इजिकल्स टू कितना है सब सो गए क्या कोई जवाब दो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इगल्स टू मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इगल्स टू फोर वेरी गुड मैसेज में मिल गया मुझे टेनिस टू पावर थ्री क्या है ये ओमेगा एम ओमेगा एम इज इगल्स टू टेन्स टू पावर थ्री तो ये चीज आप लोग को इधर पे कंपेयर करके मिल गई तो आप जो जो कैलकुलेट करने का था वो कैलकुलेट करो सो फिर पहले सबसे सब पहले क्या कैलकुलेट करना है कैरियर फ्रीक्वेंसी तो कैरियर फ्रीक्वेंसी के लिए कैरियर फ्रीक्वेंसी के लिए आपने इधर पे इक्वेट किए ओमेगा सी इज इजिकल्स टू टेन टू पावर एट तो आप इधर पे इक्वेट करके आपको कैरियर की फ्रीक्वेंसी मिलेगी मॉड्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए आपको कंपेयर करना है ओमेगा एम इज इजिकल्स टू कितना टेन्स टू तो पावर थ्री क्योंकि यहाँ पे टेन्स टू तो पावर थ्री ओमेगा एम है तो आप कंपेयर करोगे तो आपको इधर पे ओमेगा एम टेन्स टू तो पावर थ्री कैलकुलेट करके आपको मिलेगी मॉड्युलेटिंग की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स सीधा सीधा फोर दिया हुआ था और पावर डिसिपेटेड इन अगेन वही टेन ओम रजिस्टर तो आप वही सेम पैटर्न यूज करोगे तो वही पैटर्न निकाल के आपको अब यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया हुआ है कैरियर का वोल्टेज कितना दिया हुआ है ट्वेंटी वहां पे टेन था तो यहाँ पे ट्वेंटी है तो वही हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे वोल्टेज जो है कैरियर का वोल्टेज कितना है इधर पे ट्वेंटी तो ट्वेंटी का स्क्वायर करेंगे अपॉन में टू फिर हंड्रेड आएगा इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर आएगा समझ में आएगा आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में गलत है इस परली कैलकुलेशन नहीं है आप खुद परफेक्टली पर, करना ट्वेंटी का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आप लोग का हाँ फोर हं, फोर हंड्रेड आएगा फोर हंड्रेड टू टू साफ फोर फोर हंड्रेड डिवाइड बाय टू तो कितना आएगा हंड्रेड फोर हंड्रेड डिवाइड बाय टू कितना आएगा आपका टू हंड्रेड टू हंड्रेड डिवाइड बाय टेन आपका कितना आएगा ट्वेंटी ठीक है तो ये परफेक्टली किया हुआ है लेकिन आपको कुछ से परफेक्टली करना पड़ेगा समझ में आएगा 20 का स्क्वायर करेंगे 400 डिवाइड बाय 2 400 डिवाइड बाय 2 करेंगे 200 200 अपॉन 10 20 ठीक है समझ, समझ में आया या तक आप लोग को न्यूमेरिकल समझ में आया सिमिलर टाइप का न्यूमेरिकल था खाली वैल्यू चेंज थी इसके अंदर ओके थैंक यू फिर हम लोग अभी आज अपने आखिरी स्टेज पे आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बहुत बहुत भी भी आ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये है कंपेरिजन बिटवीन ए एम एंड एफ एम ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ये क्वेश्चन ऐसा पूछता है तो अब हम लोग कंपेयर करने के लायक बन गए अब हम लोग ने दोनों चीज को अच्छी तरीके से पढ़ लिए एम को भी अच्छे से पढ़ लिए एफ को भी अच्छे से पढ़ लिए है अब हम लोग को आखिरी में एंड में ये दोनों मॉड्यूलेशन टेक्निक के बीच में क्या करना है कंपैरिजन करना है सो so, टेल मी सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन के पॉइंट में पैरामीटर में आपको दिख भी रहा है हम लोग क्या लेके आ रहे हैं डेफिनेशन सबसे पहला पैरामीटर यहां पे हमारा कंपेरिजन का क्या है डेफिनेशन सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम एंड वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ एफ एम सो वी एव सीन इन द डेफिनेशन ऑफ एम टेक्निक इन विच एम्पलीट ऑफ कैरियर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्य सिग्नल इज नोन एस ए एम हम लोग ने ये टेक्निक के बारे में पढ़ चुके वो टेक्निक जिसमें कैरियर सिग्नल का क्या चेंज होता है एम्पलीट्यूड चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू किसके हिसाब से एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यटिंग सिग्नल के हिसाब से उस टेक्निक को बोलते है ए एम ठीक है ना ए एम के बारे में हम लोग ने पढ़े थे ना क्या पढ़े थे वो टेक्निक जिसमे कैरियर सिग्नल का क्या चेंज होता है चेंज होता है हम लोग ने भी देखे थे कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है और किसके हिसाब से चेंज होता है हमेशा चेंज करने वाला टाइप क्या होता है कौन सा सिग्नल होता है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्य सिग्नल ये हमेशा एम्प्लीटूड ऑफ मॉड्यटिंग सिग्नल ही चेंज करता है कैरियर के पैरामीटर्स को तो ए एम में क्या होता है कैरियर सिग्नल का क्या चेंज होता है एम्पलीट्यूड एफ एम में क्या होता है द टेक्निक इन विच क्या चीज चेंज होती है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल चेंज विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज नोन एज सिग्ग्नल तो सबसे पहले आपने क्या लेके आगे पैरामीटर में डेफिनेशन तो डेफिनेशन लेके पहले दोनों के बारे में डेफिनेशन का लिखे आपने इसमें बताया कि कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होता है और इसमें बताया कैरियर का क्या चेंज होता है फ्रीक्वेंसी चेंज होता है चलो ये पहला पॉइंट हो गया आपका कंपेरिजन का डेफिनेशन से दूसरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स ए का अलग होता है एफ का अलग होता है एएम का मॉड्यूलेशन इंडेक्स को डिनोट करते हैं सिंपली स्मॉल एम से और वो क्या पढ़े थे हम लोग ने आइडियली इट इज द रेशियो ऑफ वी एम ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल और इंडेक्स ऑफ अभी पढ़े हम लोग ने क्या होता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्रिक्वेंसी डिविएशन अपॉन मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी तो सेकेंड पॉइंट आपका कंपेरिजन का ये बन गया मॉड्युलशन इंडेक्स मॉड्युलेशन इंडेक्स यहाँ पे वीएम बाई वीसी है मॉड्युलेशन इंडेक्स यहाँ पे डेल्टा अपॉन एफ एम है थर्ड पॉइंट हम लोग ने लेके आए हैं कंपेरिजन का बैंडविथ तो बैंडविथ ऑफ ए एम क्या होती है छोटी होती है जिसका फॉर्मूला क्या है टू एफ एम और बैंडवीथ ऑफ एफ एम में हम लोग ने दो फॉर्मूला पढ़े तो हम लोग ने दोनों को कोट किया यहाँ पे इज इक्वल्स टू बैंडविथिकल मल्टीप्लाई बैन एक तो नंबर ऑफ साइड साइडमेंट के ऊपर भी होती है और दूसरा बाय रूल्स ऑफ ब्रैकेट डेल्टा प्लस एफ एम मैक्स ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट डेल्टा प्लस एफ एम मैक्स तो ये थर्ड पॉइंट ऑफ कंपेरिजन का हमारा बन गया ऑन द बेसिस ऑफ बैंडविथ ट्रेवलिंग होती है पर्टिकुलर मॉड्युल अगर एम्पलीट्यूड मॉड्युलेक्निक की बात करोगे तो एम्प्लीन में तुम्हारी इन्फॉर्मेशन कौन से फॉर्म में ट्रेवल करती है मतलब कौन से फॉर्म में ट्रेवल होकर जा रही है एक जगह से दूसरी जगह पे जो ट्रेवल हो रही है मॉड्युलेशन जो लेके जा रहा है तो कौन से फॉर्म में लेके जाता है तो पता है आपको ए में जो हमारी इंफॉर्मेशन जो ट्रेवल होती है वो कौन से फॉर्म में ट्रेवल होती है एम्पलीट्यूड के वेरिएशन में हमने वही तो किए हमारी इन्फॉर्मेशन सिग्नल के हिसाब से कैरियर का क्या चेंज होता है एम्पलीट्यूड चेंज होता है तो उसके एम्पलीट्यूड के वेरिएशन में हमारी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल हो रही है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है हमने क्या चीज को चेंज किए किए कैरियर का क्या चेंज फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी तो उस के वेरिएशन में हमारी इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे तो यहाँ पे आप क्या बताओगे यहाँ पे आप यह समझाओगे कि इंफॉर्मेशन ट्रेवलिंग इन फ्रीक्वेंसी वेरिएशन हमारी इंफॉर्मेशन यहां पे कौन से फॉर्म में ट्रेवल हो रही है फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन में हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कौन से फॉर्म में ट्रेवल हो रही है एम्पलीट्यूड के वेरिएशन में ठीक है फिफ्थ पॉइंट हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं नॉइस इम्यूनिटी मतलब कौन सा टेक्निक नॉइस से से अच्छा है नॉइज के अफेक्ट से अच्छा है समझ में नॉइस इम्यूनिटी का मतलब नॉइस के अफेक्ट से अच्छा होना नॉइज को टैकल करना ठीक है यानी उसकी इम्यूनिटी सिस्टम कैसी है नॉइस को टैकल करने की तो एम में तो हम लोग ने देख चुके हैं भाई ए एम की तो नॉइस इम्यूनिटी बहुत पुअर है क्यों पुअर है कोई इसका जवाब दे सकता है मुझे ए एम इज वेरी पुअर इन केस ऑफ नॉइस परफॉर्मेंस कोई मुझे जवाब दे सकता है वाई ए एम परफॉर्मेंस इज पुअर इन केस ऑफ नॉइस इम्यूनिटी एनी कोई है? ह बराबर है लेकिन रीजन देखो मैं बता रहा हूँ नॉइज जो है ना वो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो करता है वो कौन से पैरामीटर पे करता है एम्पलीट्यूड के पैरामीटर पे नॉइज जो है वो खुद एक एम्पलीट्यूड का पैरामीटर है और नॉइस वाली चीज जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो करती है ना वो

ए एम को बोलते हैं पुअर परफॉर्मेंस केस ऑफ नॉइस क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही अपनी इसमें एम्पलीट्यूड के वेरिएशन में ट्रेवल हो रही है और इन्फॉर्मेशन जरा सा भी ने अटैक किया तो हमारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी अब आ जाओ एफ एम में इसको ऐसा क्यों गुड बोला हुआ है नॉइस परफॉर्मेंस इधर पे गुड क्यों बोला हुआ है क्योंकि एफ एम में हमारी इंफॉर्मेशन एम्पलीट्यूड में तो ट्रेवल हो ही नहीं रही है हमारी इन्फॉर्मेशन किस में ट्रेवल हो रही है ये नीचे के फ्रीक्वेंसी वेरिएशन में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ना यहाँ पे कहीं पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा कहीं पे फ्रीक्वेंसी कम तो एम्प्लीटूड तो क्या है इधर पे कॉन्स्टेंट है तो अगर नॉइस आई और एफेक्ट भी करी तो एफेक्ट किस पे करेगी सबसे ज्यादा कौन से पैरामीटर पे करेगी एम्पलीट्यूड के पैरामीटर पे तो अगर वो एम्पलीट्यूड के पैरामीटर पे एफेक्ट करती भी है लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन तो लॉस नहीं होगी हमारी इन्फॉर्मेशन में ट्रैवल कर रही है एम्पलीट्यूड के वेरिएशन में नहीं कर रही है. हमारी इन्फॉर्मेशन किसमें ट्रेवल है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरिएशन में

और एफ एम तो का परफॉर्मेंस नॉइस में गुड है, है. सिर्फ रीजन ये गुड है मतलब हमारी इंफॉर्मेशन पे ज्यादा अटैक नहीं होता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारी फ्रिक्वेंसी वेरिएशन में ट्रेवल कर रही है ठीक है नॉइस अटैक तो करता है कोई भी चीज हो उसको अटैक करना ही लेकिन यहां पे अटैक करना नुकसान ज्यादा है और यहां पे अटैक करना नुकसान कम है क्यों क्योंकि एम्पलीट्यूड के वेरिएशन में ही अपनी इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो रही है और यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन जो ट्रेवल हो रही है वो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन में कर रही है तो फ्रीक्वेंसी के पैरामीटर को कम एफेक्ट करता है एज कंपेयर टू एम्पलीट्यूड के पैरामीटर पे ठीक है क्लियर हुआ आप लोग को समझ में आया मैं क्या बोल रहा था बात समझ में आई पहुंची क्या आप लोग को क्या बताने ओके थैंक यू नेक्स्ट जो पॉइंट है कंपैरिजन का पावर वेस्टेज तो सबसे ज्यादा पावर वेस्टेज किसमें होता है ए एम में होता है इसका रीजन भी हम लोग ने देख चुके डिसएडवांटेज में मैंने आपको पढ़ाया था और समझाया भी था पावर वेस्टेज ज्यादा क्यों होता है क्योंकि कैरियर और एक साइड बैंड जो इधर पे ट्रेवल होती है ना वो क्या होती है एक्स्ट्रा ट्रेवल होती है हमारी इंफॉर्मेशन तो हम लोग एक साइड बैंड से निकाल सकते हैं ना चाहे एक साइड बैंड ट्रेवल हो तो रिसीवर एक साइडमेंट से अपनी इन्फॉर्मेशन को निकाल लेगा लेकिन एक्स्ट्रा क्या क्या ट्रेवल हो रहा है एक्स्ट्रा कैरियर भी ट्रेवल हो रहा है और एक और साइड में ट्रेवल हो रहा है तो ये एक्स्ट्रा हो गए ना तो ये एक्स्ट्रा ट्रेवल होने की वजह से पावर ज्यादा लग रहा है तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं पावर वेस्टेज में मोर बोलते हैं और एफ में सीधा सीधा आपका क्या जा रहा है इधर पे आपका कैरियर ट्रेवल हो रहा है फ्रीक्वेंसी वेरिएशन में तो इधर पे पावर का कुछ बर्डन नहीं है क्योंकि एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट है एम्पलीट्यूड इज कॉन्स्टेंट इन एफ तो हमारा पावर का वेस्टेज का कॉन्सेप्ट एफ में लेस है एज कंपेयर टू ए बिकॉज यहाँ पे पैरामीटर्स में एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है तो ये अपर साइड बेंड भी है लोअर साइड बेंड भी है फिर बीच का कैरियर भी है तो इन्फॉर्मेशन तो खाली एक साइड बेंड से हम निकाल सकते हैं चाहे अपर साइड बेंड से निकाल लें चाहे लोअर साइड बेंड से निकाल लें तो एक्स्ट्रा जो जो ट्रेवल हो रहा है वो हमारा वेस्टेज ऑफ पावर है यहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है पावर रिमेन कॉन्स्टेंट पावर कॉन्स्टेंट क्यों रहेगा क्योंकि एम्पलीट्यूड इसका कॉन्स्टेंट है तो एफ में पावर वेस्टेज लेस है एम में पावर वेस्टेज मोर है सेकेंड लास्ट एप्लीकेशन ए एम का यूज कहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग याद रख लो एम AM, जो एम्पलीट्यूड मॉड्युलेशन टेक्निक है वो हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं ये मॉड्युलेशन टेक्निक कहाँ पे यूज करते हैं तो ये यूज करते हैं फॉर सेंडिंग पिक्चर इंफॉर्मेशन इन टीवी आपके जो टीवी सिस्टम में जो पिक्चर वाली पार्ट जो आती है ना वो कौन से मॉड्युलेशन टेक्निक से आती है वो आती है एम्पलीट्यूड मॉड्युलेशन एक कॉन्सेप्ट आप लोग तो पढ़ोगे आपका जब ऑडियो वीडियो सब्जेक्ट आएगा अपना फिफ्थ सेम में तो उसमें सॉरी फिफ्थ सेमिस्टर में अभी आपको आएगा वो सब्जेक्ट तो आप उसमें पढ़ोगे टीवी के बारे में भी पढ़ोगे तो टीवी का जो मॉड्यूलेशन होता है जो पिक्चर इंफॉर्मेशन जो आती है वो आती है साइड साइड बैंड बैंड इज अ पार्ट ऑफ ए एम होल्ली पार्ट ऑफ एम्प्लीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक का ही एक नाम है वेस्टिजल साइड बैंड वो हम लोग ने नहीं पढ़े अपने साइड बैंड का कॉन्सेप्ट है मैंने आपको वो साइड बैंड के कॉन्सेप्ट में वी एस बी नहीं पढ़ाया हूँ लेकिन आप लोग वहां पे देखोगे अंडरस्टैंड करोगे तो वो पार्ट ऑफ ए एम ही है और एम का वो जो यूज होता है वो के लिए यूज होता है जो पिक्चर में टीवी इंफॉर्मेशन है उसको ट्रेवल कराने के लिए ए एम का यूज होता है और आपको ये तो क्लियर ही है साउंड वाली इंफॉर्मेशन एफ एम आप तो खुद ही सुनते हो मोबाइल में एफ एम एफ एम एफ एम तो एफ एम मतलब क्या आप क्या सुनते हो साउंड इंफॉर्मेशन म्यूजिक वगैरह ये सब जो सुनते हो तो एफ एम का जो यूज है फॉर सेंडिंग वॉइस इंफॉर्मेशन ऑन टीवी तो टीवी सिस्टम में जो पिक्चर इन्फॉर्मेशन है वो ए से आती है और साउंड वाली जो जो सिस्टम है जो इन्फॉर्मेशन है वो किससे आती एफ एम टेक्निक से आती है तो एफ एम का यूज करके हम लोग साउंड को भेजते हैं और ए एम का यूज करके हम लोग पिक्चर पार्ट वीडियो को भेजते हैं ठीक है थीके? तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए ए एम का यूज पर्पस क्या है तो एम का पर्पस फॉर सेंडिंग पिक्चर इन्फॉर्मेशन इन टीवी सिस्टम यहाँ पे एफ का कॉन्सेप्ट आप यहां पे बता सकते हो फॉर सैंडिंग वॉइस इन्फॉर्मेशन इन टीवी सिस्टम और लास्ट पॉइंट ऑफ कंपेरिजन मैंने यहां पे शो किया है क्या चीज से वेब फॉर्म से बनाना ए एम काम का वेरिएशन का का शो करो प्रॉपरली फ्रिक्वेंसी वेरिएशन दिखना चाहिए कहीं पे नंबर ऑफ साइकिल ऑफ साइकिल ज्यादा यहाँ पे प्रॉपर बनाया हुई है लेकिन तो प्रॉपर बनाना कहीं पे फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन दिखाना है तो कहीं पे नंबर ऑफ साइकिल कम कहीं पे नंबर ऑफ साइकिल ज्यादा तो ये सारे पॉइंट्स है आपके कंपैरिजन के बिटवीन एम एंड एफएम यानी जो जो पढ़े हम लोग ने मॉड्यूलेशन इंडेक्स पढ़े बैंडविड्थ पढ़े पावर नॉइस इम्यूनिटी पावर वेस्टेज वेवफॉर्म तो ये सारा कंपैरिजन का पॉइंट बनता है अपने एम और एफएम में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कंपैरिजन बिटवीन एम एंड एफएम ऑन द पैरामीटर्स डाल के पूछ सकता है आपको ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरामीटर कंपेयर कीजिए तो आई आप लोग को समझ में आया होगा समझ में आया आप लोग को बात आज की ओके थैंक यू वेरी मच आप लोग ने कनेक्ट uh, हुए साथ हुए तो यहाँ पे हम लोग ने अपना आज का सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया मॉड्यूलेशन टेक्निक अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेक्निक uh, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसी सर रिलेटेड रहेगा लेकिन उसकी सर्किट्स रहेगी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर सर्किट अब हम लोग यही टेक्निक पढ़ेंगे लेकिन अब उसके अंदर का पार्ट पढ़ेंगे ट्रांसमीटर एंड रिसीवर सर्किट वगैरह पढ़ेंगे तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग प्लीज स्टडी वेल स्टे सेफ अपने घर पे ही रहो ट्राई करो अच्छे से जो जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ उसको जरा अंडरस्टैंड करो इसके बाद हम लोग एक टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर मैसेज दूंगा ओके थैंक यू वेरी मच फॉर लिस्निंग अंडरस्टैंडिंग Please stay safe, stay at home. Thank you very much.